दिल डायरी के 9 लाख व्यूअर्स या फिर वो व्यूअर्स जो इस खबर को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या अभी नहीं। जी हाँ, आपको ऐसा सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि धोनी की कल भले ही तेज तर्रार पारी रही हो, लेकिन फिर से लोगों ने सवाल उठा दिए हैं उनकी बल्लेबाजी पे। हालांकि आपको बता दें कि भारत जो कि 338 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहा था, उसमें धोनी का एक रिकॉर्ड भी भारत को नहीं जिता पाया। जी हाँ, 49 times ऐसा है कि जब धोनी नॉट आउट रहे हैं, जिसमें से आपको बता दें कि अब तक 47 बार भारतीय टीम को जीत नसीब हुई थी और केवल एक बार हार और एक मैच ट्राई हुआ था। ऐसे में आपको बता दें कि पूरी उम्मीद थी कि अगर धोनी नॉट आउट जाएंगे तो भारत जीत के साथ मैदान से वापसी करेगा, लेकिन आपको बता दें कि केदार जाधव और धोनी की धीमी पारियों के चलते कहीं ना कहीं भारत भी केवल 300 के आंकड़े तक ही छू पाया और भारत को 31 रनों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बाद फैंस हों या फिर क्रिकेट जगत की कई हस्तियां दिग्गज ये कह चुके हैं कि शायद धोनी का टाइम खत्म हो गया है। आपको क्या लगता है कि धोनी का टाइम खत्म हो गया है या फिर वर्ल्ड कप जीतना है तो धोनी का रहना जरूरी है? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।